राधे राधे दोस्तों। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की बिल्कुल सरल विधि बताऊंगी, किस तरीके से हमने सरल तरीके से पूजा करनी है, तो वो ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर हूँ। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी आती है ना, चतुर्थी, उसी दिन ये पूजा होती है। भगवान शिव शंकर और विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। पूरा 4 महीने तक दोस्तों ये नींद निद्रा से उठते हैं और तभी इनकी पूजा होती है। और शिव शंकर भोले भंडारी ने ही पूरा पृथ्वी का भार उठाया था पूरे 4 महीने। तो विष्णु भगवान हमारे तभी उठते हैं 4 महीने बाद, तब तक शिव शंकर सारा संभालते हैं। तो उसी के लिए ये पूजा बैकुंठ चतुर्दशी की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अक्षत थोड़ा रखा है और फिर हमने अपना विष्णु भगवान की प्रतिमा विराजमान की है और शिव परिवार। तो इसमें गणेश जी, आपको अलग से गणेश जी विराजमान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हमारा शिव शंकर भोले भंडारी का पूरा परिवार है। तो इसी से ही हम अपना पूजा करेंगे। ये पूजा दोस्तों आप मंदिर में ही कर सकते हो, कहीं अलग करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर ही अपना शिव शंकर भोले भंडारी विराजमान आपके मंदिर में होंगे और विष्णु भगवान, तो उसी को ही हम, एक हमने चौकी ली है उस पर हमने थोड़े से अक्षत रखे हैं। अक्षत दोस्तों हमने देखो रखे हैं तिल, क्योंकि कार्तिक के महीने में तिल का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमने ये तिल रखा है अपना, उसके ऊपर पहले हमने विष्णु भगवान जी की, श्री हरि जी की विराजमान की है तस्वीर, उसके बाद में भगवान भोले भंडारी जी की है। और पहले दोस्तों फिर हम वार देते हैं थोड़ा सा पानी। तो आप अगर ना, जल हमें वारना बहुत ज़रूरी है, और आप गणेश जी अलग से भी रख सकते हो, लेकिन मेरी इस प्रतिमा में पूरा परिवार है शिव का, तो मैं इसी से ही पूजा करूँगी। फिर दोस्तों देखो हमने थोड़ा सा अक्षत रख के हम अपना आसन दे के दिया प्रज्वलित करेंगे। दिया हम देसी घी का करेंगे, उसके बाद में माँ के का पूजा करेंगे। तो दिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखो दोस्तों करेंगे तिलक। तो तिलक हमें चंदन से करना है, क्योंकि शिव शंकर भोले भंडारी के रोली से तिलक नहीं होता। विष्णु भगवान को हम हल्दी से करेंगे, क्योंकि हल्दी विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद में दोस्तों हम फूल समर्पित कर देंगे, जो भी आपके पास फूल हो ना, आप वो समर्पित कीजिए। फिर हम वस्त्र स्वरूप, पहले भोले भंडारी जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, फिर हम अपने विष्णु भगवान को कलावा समर्पित करेंगे। तो तिलक कर दिया है, वस्त्र स्वरूप हमने कलावा समर्पित कर दिया है, फिर हम दिया अपना प्रज्वलित करेंगे। तो दिया हमारा हो गया। उसके बाद में दोस्तों हमें थोड़ा सा अक्षत भी समर्पित करना है। तो अक्षत मैंने पहले ही कर दिया था, तो उसके बाद में, और दोस्तों बेलपत्र इसमें बहुत मेन होता है, तो हमें फिर बेलपत्र अपना भोले भंडारी शिव शंकर जी को पहले बेलपत्र चढ़ाना है। और इस दिन दोस्तों हम विष्णु भगवान जी को भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मिलन का दिन था और दोनों को ही हम, जितना भी हम यहाँ पे प्रतिमा रखेंगे ना, उनको सबको बेलपत्र और तुलसा जी का भोग भी लगाना बहुत ही प्रिय है, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान जी को तुलसा जी बहुत पसंद। तो भोग के रूप में देखो दोस्तों, अगर खिचड़ी बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप ऋतु फल कोई भी समर्पित कर सकते हो। वैसे तुलसी पत्ता और अपना भोग फल, ये हमें बहुत ही ज़रूरी है। और तुलसा जी का जो भोग है ना दोस्तों, ये बहुत ही विशेष है अपने विष्णु भगवान के लिए। और फिर हम भोग के लिए लेंगे मिश्री, चीनी आपके पास जो भी हो ना, तो आप वो थोड़ा सा समर्पित करना है दिखा के, और वहीं पे ही रख देना है। फिर हमें दोस्तों थोड़ा सा जल छिड़क देना है, क्योंकि जल समर्पित करना है। हमने भोग लगा लिया, तिलक लगा दिया, वस्त्र स्वरूप कर दिया, उसके बाद में दोस्तों हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। और दोस्तों देखो, उसके बाद में हम थोड़ा सा लेंगे तिल और कहानी सुनेंगे हम बैकुंठ चतुर्दशी की। तो उसके बाद में हमें अपना कहानी सुनने के बाद में जो हम अक्षत लेंगे ना, वो हम भगवान विष्णु जी के सामने ही समर्पित कर देंगे। और दोस्तों ये पूजा ना आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी, लेकिन सूर्यास्त के बाद में, और सुबह करोगे तो सूर्य उदय होने से पहले पहले। और इस दिन दोस्तों हमें 14 दिए भी जलाने होते हैं बैकुंठ चतुर्दशी को, तो वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि हमें कहाँ कहाँ पर ये 14 दिए समर्पित करने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें पूजा करनी है। और फिर दोस्तों हम कपूर से, या दूसरा दिया भी आप ले सकते हो, या कपूर से हमें भगवान विष्णु जी की, शिव शंकर भोले भंडारी जी की आरती करनी है। तो
कपूर से आरती करेंगे, उसके बाद में हम इसके ऊपर से भी दोस्तों देखो जलवार देंगे दो बारी, क्योंकि आरती जो हम करते हैं ना उसके बाद में जल जरूर से वारना चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। तो दोस्तों फिर हम हाथ जोड़ के, अगर पूजा में कोई रही कमी के लिए, भगवान विष्णु शिव शंकर भोले भंडारी सबसे प्रार्थना करेंगे, सबसे क्षमा याचना करेंगे और बस अपना सही रास्ता दिखाए भगवान, सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखे।